बिल्ली का बच्चा। अब्बू एक मिनट मोटरसाइकिल रोकिए। हमज़ा ने अचानक अपने अब्बू को मुखातब किया जो मोटरसाइकिल चला रहे थे। सड़क पर गाड़ियां ना होने के बराबर थीं। उन्होंने हमज़ा से पूछा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि मोटरसाइकिल रोकने का कह रहे हो। वो बोला, अब्बू एक मिनट रोकें मोटरसाइकिल। और मजबूरन इस्माइल साहब को मोटरसाइकिल एक तरफ रोकना पड़ी। जैसे ही मोटरसाइकिल रुकी, हमज़ा भाग कर सड़क के एक तरफ चलने लगा। ये देखकर उसके वालिद भी उसके पीछे पीछे हो लिए। वो कोई चीज़ तलाश कर रहा था और अचानक एक जगह रुक कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़मीन पर बेबसी से पड़ी हुई एक बिल्ली को देखने लगा। जब इस्माइल साहब उसके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ज़मीन पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बुरी तरह ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उनको फौरन सारी बात समझ में आ गई कि हमज़ा ने क्यों बीच सड़क पर उन्हें मोटरसाइकिल रोकने का कहा था। अब इस्माइल साहब ने हमज़ा की तरफ देखा जो बेबसी से बिल्ली के बच्चे को देख रहा था। कुछ लम्हों बाद हमज़ा बोला, अब्बू इसको घर लेकर जाना है, लेकिन इसे किस चीज़ में रखें? हमें हर सूरत में इसको बचाना होगा। फिर वो दोनों सड़क के किनारे कोई चीज़ तलाश करने लगे। कुछ देर तलाश करने के बाद एक डब्बा नुमा चीज़ मिली और फिर बहुत एहतियात के साथ हमज़ा ने बिल्ली के बच्चे को उस डब्बे में रखा। इस्माइल साहब ने मोटरसाइकिल के पास आकर अपने बैग से एक बड़ा रुमाल निकाला और बिल्ली के बच्चे के गिर्द लपेट दिया। ताकि उसे सर्दी का एहसास ना हो, इस्माइल साहब ने बिल्ली के बच्चे की हालत देख ली थी। वो बिल्ली का बच्चा बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी था। उसके बचने के इम्कानात बहुत ही कम थे। जैसे ही वो घर पहुँचे, हमज़ा ने फौरन हीटर ऑन करके बिल्ली के बच्चे को हीटर के सामने रख दिया। मकसद सिर्फ ये था कि उसको मौत सुकून से आए, क्योंकि हालत ऐसी थी कि उसका बचना तकरीबन नामुमकिन था। इस्माइल साहब ने हल्दी और तेल मिलाकर उसके ज़ख्मों पर लगा दिया। कितना अजीब होता है ना किसी को तकलीफ़ की हालत में देखना। आप उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते,
लेकिन उसकी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं होती है। हमज़ा ने बिल्ली के बच्चे के दर्द को बुरी तरह महसूस किया था। उसने वो सब कुछ किया जो उसके इख्तियार में था। काश उसे ज़ख्मी करने वाले किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल वाले ने थोड़ी सी एहतियात की होती और उसको सिर्फ बिल्ली का बच्चा ही नहीं बल्कि एक जानदार समझा होता। लेकिन उसे तो शायद गाड़ी या मोटरसाइकिल उस पर से गुजारते हुए एहसास भी ना हुआ होगा। हुआ भी होगा तो उसने मुड़ कर देखने की ज़हमत तक नहीं की होगी। नाज़रीन, फजर के वक्त इस्माइल साहब उठे तो देखा कि बिल्ली का बच्चा मर चुका था। उसकी मौत पर हमज़ा अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और छोटी सी स्टोरी ऐड करूँगा, कंप्यूटर गेम का जुनून। तलाल, तलाल बेटा मेरी बात सुनो, अब तो कंप्यूटर से हट जाओ। जी मम्मा, अभी हटता हूँ। फ़ायज़ा तलाल को कह कर अभी हटी ही थी कि उसे दूसरे कमरे में आयज़ा भी लैपटॉप पर नज़र आई। बेटा क्या मसला है? जब भी आप लोगों को देखो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड लेकर बैठे होते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। फ़ायज़ा बच्चों की इस एक्टिविटी से बहुत परेशान थी। जब कभी तलाल को देखो गेम खेलने में लगा रहता है, आयज़ा और हुस्ना भी बहाने बहाने से आईपैड लैपटॉप लेकर बैठ जाती हैं, और छोटा मुदस्सर उसका तो उन सब से ज़्यादा बुरा हाल था। जब देखो टीवी पर कार्टून देखता है या मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, जैसे ही हटाते रोने लगता। मुश्किलों से स्कूल, मदरसा और ट्यूशन के टाइम ही गेम और कार्टून से जान छूटती। अब तो फ़ायज़ा और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि रही सही कसर तालीमी निज़ाम के मोबाइल और कंप्यूटर पर मुंतकिल होने ने पूरी कर दी थी। आज फ़ायज़ा की दोस्त सारा घर पर आई तो वो भी अपना यही दुखड़ा रोने लगी के बच्चे ना समझते हैं ना मानते हैं और हम भी मजबूर हैं, जैसे कि ये मोबाइल का निज़ाम हमारी मजबूरी बन चुका है। वाकई बहुत दुख और अफसोस होता है। हम तो अपने बचपन में ऐसे खेल और तफरीह किया करते थे जिनसे सेहत भी अच्छी रहती और वक्त भी अच्छा गुजर जाता था। सारा और फ़ायज़ा अपने पिछले दौर में खो गईं। सारा कहने लगी, पहले लड़कों के लिए मैदान हुआ करते थे जहां वो खुली फ़ज़ा में अपनी शाम बिताते थे और लड़कियां भी
आराम से गली में साइकिलिंग कर लेती थी और मिलकर छतों या गली में छुपन छुपाई, पिट्टू ग्राम और मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलती। बच्चे और बच्चियां इन खेलों से चुस्त रहते और खुश भी। लेकिन अब बच्चों के पास ऐसी सरगर्मियां करने के लिए जगह भी ख़ास मुयस्सर नहीं। इसके अलावा इंटरनेट ने सारा निज़ाम बर्बाद करके रख दिया है। बच्चे उन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं जिससे उनके दिमागी सलाहियत भी ख़राब होती है और जिस्मानी भी। ये मशीनी बच्चे सुस्त होते जा रहे हैं, बच्चों के दिमाग भी कमज़ोर हो रहे हैं और अब तो कुछ गेम्स भी ऐसे आ गए हैं कि जिससे बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार होकर ख़ुदकुशी भी कर रहे हैं। फ़ायज़ा सारा को बताने लगी कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बच्चे की उम्र 14 साल थी और गेम खेलने के दौरान उसकी दिमाग की रग खींच गई और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत वाकया हो गई। इसके अलावा पिछले दिनों लाहौर में एक बच्चे ने पबजी की वजह से ख़ुदकुशी भी कर ली। ये बात सुनकर तो सारा और परेशान हो गई, लेकिन हकीकत भी यही थी क्योंकि उसने टीवी और अखबारात में भी इस किस्म के वाकयात सुने थे, जिसकी वजह से वो और परेशान हो गई। घर आकर उसने नमाज के बाद अल्लाह पाक से दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मौला करीम हम इन फितनों से अपनी औलादों को नहीं बचा सकते, सिर्फ तेरी ही ज़ात है जो हमें महफूज रख सकती है, तू हमारी और हमारी औलादों के ईमान की हिफाजत फरमा और उन बच्चों को और तमाम मुसलमानों को इन तमाम फितनों से महफूज फरमा। लेकिन आज उसे फ़ायज़ा की बताई हुई एक बात याद आई कि चाहे हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में मसरूफ़ ज़रूर हैं, लेकिन अब हम माएँ ही हैं जो इन्हें इन चीज़ों से कुछ अलग तरीक़ों से रोक सकती हैं। उसने बहुत अच्छे तरीके बताए थे जिसमें उसने कहा कि अब हम अपने बच्चों को रात को सोते हुए कहानियाँ, इस्लाही फ़ज़ाइल आमाल या दूसरी इस्लामी किताबों में से कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर बताएंगे ताकि वो अच्छी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हों। ठीक है, हम घर के काम काज की वजह से बहुत मसरूफ़ रहती हैं और बच्चों को देने के लिए हमारे पास ख़ास वक्त नहीं होता, ना बाप के पास इतना वक्त होता है कि वो बच्चों के साथ बैठकर उन्हें समझाए। अब चूंकि मौका अच्छा है, बच्चे भी घर में हैं, तो हमें चाहिए कि हम वक्त निकालकर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। जब हम खुद उनके साथ मिलकर मिसबत सरगर्मियां अंजाम देंगे तो बच्चे अच्छी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो होंगे। ये बात सायरा को भी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तहैया किया कि आज के बाद वो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगी और अच्छे काम करने की तलकीन भी किया करेंगी। तो नाज़रीन, ये थी दो छोटी सी स्टोरीज़। उम्मीद है कि आपको और आपके बच्चों को पसंद आएंगी। बहुत शुक्रिया।